आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के एक न्यू एनएफओ के बारे में जिसका नाम है यूटीआई स्मॉल कैप फंड। तो स्मॉल कैप फंड्स के बारे में आपको पता है कि स्मॉल कैप एक इक्विटी फंड की कैटेगरी का ही टाइप है स्मॉल कैप फंड। जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड जो होते हैं, जनरली स्मॉल कैप कंपनीज के कैटेगरी के जो स्टॉक्स होते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के, उनमें इन्वेस्टमेंट करके स्मॉल कैप कंपनीज के कैटेगरी के स्टॉक्स का पोर्टफोलियो तैयार करके वहां से रिटर्न्स जनरेट करना या कैपिटल अप्रिशिएट करना इन फंड्स का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है। तो जो फंड का इशू है वो 2 दिसंबर से ओपन हो जाएगा। तो जो भी इन्वेस्टर सब्सक्राइब करना चाहते हैं इस फंड को ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड, तो वो 2 दिसंबर से सब्सक्राइब कर पाएंगे। और आपको बता दूं कि स्मॉल कैप फंड्स की कैटेगरी की एवरेज रिटर्न पिछले साल जो रही है 22.80% की रिटर्न 1 ईयर में कैटेगरी की एवरेज रिटर्न्स रही है। तो 22.80% अगर 1 ईयर में रिटर्न्स मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी होती है। तो जैसा कि आपको पता है कि स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं जो हाई ग्रोथ के भी चांसेस होते हैं और जो फेलियर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो इसलिए अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लाइक 6 to 9 ईयर के लिए अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्मॉल कैप कैटेगरी के किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये फंड सुइटेबल रहेगा और आपको अच्छी रिटर्न्स भी मिलेंगी। तो चलिए बात करते हैं यूटीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में। जो इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो इन्वेस्टर्स हैं जो इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, हाई रिस्क कैपेबिलिटी है जिनमें, वो इन्वेस्टर्स जो हैं इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो जान लेनी चाहिए, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम म्यूचुअल फंड से या फाइनेंशियल रिलेटेड कोई भी न्यूज होती है उसके बारे में अपलोडिंग वीडियो करते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मैं ले आया हूँ आपको ब्लॉग पर। अगर आपने हमारा ब्लॉग अभी तक विजिट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप हमारे ब्लॉग को वहां पर जाके विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि YouTube पर वीडियो अपलोड करने से पहले हम वहां पर अपडेट कर देते हैं। कोई भी फाइनेंशियल न्यूज़ या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड न्यूज़ होती है वहां पर हम फर्स्ट अपडेट कर देते हैं। तो चलिए जैसा कि हम बात कर रहे हैं यूटीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में। एन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम एम्स टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज ऑफ स्मॉल कैप कंपनीज। तो एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जिसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिशिएट करना, इन्वेस्टमेंट करके एक ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट करके जो कि इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज स्मॉल कैप कंपनीज के कैटेगरी के जो स्टॉक्स होंगे वहां पर एक ऐसा पोर्टफोलियो तैयार करके कैपिटल अप्रिशिएट करना इस फंड का मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा। बढ़ते हैं अपनी बात की ओर और एनएफओ के बारे में बात कर लेते हैं। एनएफओ की जो ओपन डेट है, इशू ओपन होगा 2 दिसंबर 2020 से एनएफओ ओपन हो जाएगा सब्सक्रिप्शन के लिए। क्लोजिंग फंड जो होगा एनएफओ का इशू जो 16 दिसंबर 2020 को इशू क्लोज हो जाएगा। तो जो भी इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड अप्लाई करना चाहते हैं वो 2 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में इस फंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेट जो भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करेंगे इस फंड में ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड, उनको जो यूनिट्स अलॉट होंगे वो 22 दिसंबर 2020 को यूनिट्स की अलॉटमेंट मिल जाएगी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी इस फंड में लमसम 5,000 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हैं। तो अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं इस फंड के बारे में तो मैं डिस्क्रिप्शन में स्कीम के इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स का लिंक भी दे दूंगा, जहाँ पर आप जाकर पीडीएफ चेक कर सकते हैं। फंड मैनेजर जी हैं जो अंकित अग्रवाल जी, इस फंड को मैनेज करेंगे। एनएवी है जो रेड 10 रुपीज़, जैसा कि आपको पता है एग्जिट लोड है जो स्कीम का 1% रहेगा अगर आप 1 साल के अंदर अंदर इसको अपनी यूनिट्स को रिडीम करते हैं। बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, इस फंड का बेंचमार्क है। रिस्क है जो मॉडरेटली हाई। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिशिएट करना है बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज ऑफ स्मॉल कैप कंपनीज। तो स्मॉल कैप कंपनीज के कैटेगरी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके वहां से जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिशिएट करना फंड का मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए बात करते हैं कैटेगरी की जो एवरेज रिटर्न रही है उसके बारे में। SBI स्मॉल कैप फंड ने 1 महीने में 14.16% की रिटर्न, 1 साल में 26.09% की रिटर्न, 3 साल में 5.69% की रिटर्न, 5 साल में 16.89% की रिटर्न, और मैक्सिमम रिटर्न जो इस फंड ने अभी तक दिए हैं वो है 24.57% की रिटर्न इस फंड ने अभी तक दी हैं। तो चलिए बात करते हैं कि किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड है जो
सुइटेबल है, कौन कौन फंड इन्वेस्टर्स है जो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। देखिए इन्वेस्टमेंट तो हर कोई कर सकता है, किसी के लिए पाबंदी नहीं रहेगी कि अगर आपकी लो रिस्क प्रोफाइल है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। बट फिर भी जो हमारे लिए प्रेफर रहता है इन्वेस्टमेंट, अगर हमें अच्छे रिटर्न्स मिलती हैं वहाँ से, तो हमें वही इन्वेस्टर जो है चूज़ करता है। ताकि अब हर एक इन्वेस्टर्स का अलग अलग गोल होता है। तो फंड जो सुइटेबल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट का, यानी कि 5 से 7 साल लेके मिनिमम जो है इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, वो इन्वेस्टर्स इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिनका मेन मोटिव है वेल्थ क्रिएट फॉर लॉन्ग टर्म, वो उस टाइप के इन्वेस्टर्स इस फंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टर हु वांट्स टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप कंपनी स्टॉक्स, तो जो इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप कंपनीज की ग्रोथ का प्रॉफिट उठाना चाहते हैं लंबे समय की अवधि में, उस टाइप के इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस फंड के लिए NFO के ड्यूरिंग अप्लाई कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लीजिए, तभी इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। और अगर आप किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बात करूंगा यहीं पर। अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।